दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेदर वॉलेट और सिंथेटिक वॉलेट में क्या क्या डिफरेंस होता है ना, और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरे सामने ये जो लेदर, ये लेदर वॉलेट है और ये हमारा सिंथेटिक वॉलेट है। पीयू लेदर बोल सकते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा था पीयू लेदर, फॉक्स लेदर, कई बार फॉक्स लेदर भी आता है उसमें। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ फिजिकली, जैसे हम अगर हमारे सामने अगर ये वॉलेट है फिजिकली, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, है ना। मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये मैं बताता हूँ। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी लेदर की बॉर्डर होगी, है ना, जैसे ये समझ लीजिए ये जो है वॉलेट है, इसकी जो बाउंड्री है ये बॉर्डर है, ठीक है। मान के चले यहाँ ये वाली बॉर्डर, क्योंकि क्या होता है कई बार आप जैसे शॉप पे जाते हैं, है ना, तो दुकानदार आपको बोलता है कि भाई ये ठीक है, ये भी लेदर का है, लेकिन आप उसको जज कैसे करोगे। भाई दुकानदार तो माल बेचने के लिए सभी चीज़ बोलेगा, है ना, अगर ये चीज़ रखी होगी। भाई क्या होता है कई बार दुकानदार को भी नहीं पता होता है कि लेदर का वॉलेट होता कैसे है, तो वो तो जो उसको सही लगेगा वो आपको वही बताएगा। मुझे ये सही लग रहा है कि हाँ भाई ये लेदर का, किसी और ने मुझसे ये बोला है कि ये लेदर का, तो मैंने भी आपको बोला है कि ये लेदर का है, ठीक है। तो आपको जज करना है भाई, ये तो हमारे ऊपर होना चाहिए कि भाई हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, तो ही हम जो है उस चीज़ को सही दाम दे पाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे ये हमने वॉलेट की जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे हमको क्या करना है, जैसे ये हमारे नाखून, मैंने मेरा एक वीडियो है लेदर की जैकेट और सिंथेटिक की जैकेट वाला, आप अगर चाहें तो उसको एक बार और देखें, उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ, इस बॉर्डर पे हमको जो नाखून से हल्का सा एक पिंच करना, मीन्स जैसे हम किसी चीज़ को या कांटे को पकड़ के खींचते हैं ना, कांटे को पकड़ के जिस तरीके से निकालते हैं, हमें यही करना है। हल्का सा यहाँ पर नाखून से इस तरीके से पकड़ना है और धीरे से उसको खींच लेना है, है ना। तो जब भी आप इसको जो है पकड़ के खींचेंगे, तो देखो मैं बताता हूँ आपको, ये इसकी ये लेयर मेरा हाथ में आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये लेयर आ गई हाथ में, ठीक है। तो ये जो मेन साइन होता है, ये होता है सिंथेटिक, है ना। सिंथेटिक को हम आइडेंटिफाई इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे कोई स्पेशलाइज्ड इसकी ट्रिक नहीं है कि हम उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लें। अब आप किसी दुकान पे जाके इस चीज़ को जला तो नहीं सकते हो, तो उसी के सामने दुकानदार के सामने आप लाइटर बताओगे कि भैया मैं इसको चेक करना चाहता हूँ इस तरीके से, तो कोई चेक करने देगा नहीं आपको। ये ज़रूर है आप उसकी जो कॉर्नर की जो बाउंड्री है, जैसे मान के चले ये अगर सिंथेटिक, जैसे ये सिंथेटिक नहीं है, लेकिन अगर सिंथेटिक है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि इसको सिंथेटिक है कि, तो मैं इसकी ये जो कॉर्नर वाली बाउंड्री है यहाँ पे पिंच करके धीरे से इसको खींच के देखूँगा, है ना। और अगर इसकी जो है पपड़ी आ गई, इसकी एक ये लेयर आ गई और अंदर से पूरा वाइट इसका कलर अगर बिल्कुल चेंज हो गया, तो समझ लो ये सिंथेटिक है ना। और यही लेदर में मैं बताता हूँ आपको, अब ये लेदर है, ठीक है। लेदर में आपको बता देता हूँ, लेदर में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई पपड़ी नहीं निकलेगी, है ना, और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हल्का सा आप इसको अगर करके देखेंगे तो इसकी कोई पपड़ी वपड़ी निकलना नहीं है, है ना, और इसका कलर भी चेंज नहीं होना। तो ये साइन है लेदर का। दूसरा देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ अनइवन फिनिश्ड, ठीक है। तो जैसे सिंथेटिक में क्या होता है, इवनली फिनिश्ड होता है ना, बहुत स्मूथ होता है। सिंथेटिक लेदर के जो वॉलेट देखोगे आप, बिल्कुल स्मूथ फिनिश आएंगे, एक जैसी फिनिश रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक जैसी फिनिश। अब इसमें आप देख सकते हो, मैं पूरा आप स्ट्रेच करके बताता हूँ, रिंकल है, कहीं कहीं रिंकल मिलेंगे, कहीं कहीं ये ग्रेन जो है वो जो चेक्स आते हैं, है ना, चेक्स या फिर वो उस तरीके से जो नेट के जो ग्रेन आते हैं वो आपको दिख रहा होंगे पास से, ठीक है। यहाँ पर इसका शेप अलग है, यहाँ पर जो है रिंकल ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसकी जो खासियत होती है लेदर वॉलेट की, लेदर वॉलेट के स्मूथ फिनिश में नहीं होता। अगर ओरिजिनल लेदर है तो कहीं ना कहीं से उसमें जो है टेक्सचर में डिफरेंस आएगा, यहाँ डिफरेंस है या यहाँ डिफरेंस है, इतना अगर सेम होगा तो यहाँ पर डिफरेंस होगा, इतना अगर सेम होगा तो यहाँ पर डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस है। लेदर ओरिजिनल जो इसी तरीके से होता है कि अनइवन फिनिश्ड होता है, टेक्सचर भी अलग होता है उसका हर जगह से,
सिंथेटिक में जो होता है स्मूथ फिनिश होता है और एक जैसा टेक्सचर, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा पूरा टेक्सचर आपको एक जैसा मिलेगा। फिनिशिंग भी आप उसको फील कर सकते हो, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसमें, ठीक है। अब नाम मैं बता दूँ आपको, क्योंकि क्या होता है ये प्रॉब्लम कई बार ऑनलाइन परचेसिंग में आती है, कई बार उसमें लिखा होता प्यू लेदर, है ना, प्यू लेदर लिखा होता तो हम लोग समझ जाते हैं यार चलो ये लेदर है। कुछ लोग जो है जेन्युइन लेदर लिख देते हैं उस पर, है। अब ऑनलाइन की तो कोई गारंटी ले नहीं सकता, ऑनलाइन की तो मैं भी नहीं बता सकता कि ऑनलाइन में आप कैसे उसको जज करो, क्योंकि वो प्यू लेदर लिख देंगे, कई बार वो लेदर ही लिख देते हैं, ओरिजिनल लेदर लिख देते हैं तो आप जज कैसे करोगे, ठीक है। फॉक्स लेदर भी लिख देते हैं, FAUX सॉरी, है तो इसको बता दो कैसे लिखते हैं, FAUX, है ये फॉक्स, फॉक्स लेदर भी एक नाम प्रचलित है ऑनलाइन की भाषा में, है करता है। तो ये दो तीन तरह के नाम है, एक यू लेदर सिंथेटिक फॉक्स और एक जेन्युइन भी कई बार लिखा होता तो आप उससे समझ सकते हैं कि भैया ये ओरिजिनल तो नहीं है, ठीक है। और एक होता है लेदरेट, है ना, लेदरेट भी LETHERETE, ये लेदरेट जो होता है ये लेदरेट भी सिंथेटिक ही है, ओरिजिनल लेदर में लेदरेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब दूसरा मैं बता दूँ, वेट जो होता है लेदर के वॉलेट का वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। आप को अगर आप वे करेंगे हाथ में लेके भी देखेंगे तो इसका वेट आपको महसूस होगा, और जो सिंथेटिक का वेट है वो कम होगा, वो कम आपको महसूस होगा। आप कभी भी कई बार देखेंगे उसको ऑन करके वे करके देखना, आप समझ में आ जाएगा। और दूसरा ये लास्ट में बता दूँ आपको, अगर लेदर का वॉलेट है तो यूज़ करते करते जैसे जैसे आप उसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे उसकी शाइन बढ़ेगी, है ना, शाइन इंक्रीज होती है उसकी। जैसे ये है, अब इस वॉलेट को यूज़ करते करते 4 से 5 साल हो गए रेगुलरली, है ना। मेरा छोटा ब्रदर है, उसको मैंने दिया था काफ़ी टाइम पहले, 4-5 साल पहले, रेगुलरली यूज़ करता, आप शाइन देखो उसकी, ठीक है। और ये जो है ये नया है, ठीक है। अब अगर सिंथेटिक है और अगर इसको मैं इतना लंबा, हालांकि इतना लंबा चलेगा नहीं सिंथेटिक, लेकिन अगर इसको मैं थोड़े टाइम भी यूज़ करता हूँ तो इसकी फिनिशिंग जो आती है, इसकी जो शाइन आती है ऊपर जो फिनिश करते हैं ग्लॉसी फिनिश, उसके लिए वैक्स पॉल के पॉलिश वगैरह करते हैं, तो वो धीरे 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 यूज़ करते करते ख़त्म हो जाती है। ये सब इसके मेजर डिफरेंस है, लेदर वॉलेट और सिंथेटिक वॉलेट, उसमें ये सब चीज़ें डिफरेंस आती है ना। तो उम्मीद है आप सब लोग जो है इस चीज़ से भली भांति वाकिफ हो गए होंगे, है। और वैसे मेरी तरफ से मैंने सब चीज़ क्लियर करी, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।